हेलो एवरीवन दिस इज़ मनीषा चौहान एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन एंड फॉर बायोलॉजी आज के वीडियो में हम पाण्डिचेरी यूनिवर्सिटी का एमएससी माइक्रोबायोलॉजी का 2018 का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं इस डिस्कशन uh, के अंदर हम जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन स्किप करेंगे और जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन अगर टाइम बचा आपके एग्जाम से पहले पहले तो उसका एक अलग वीडियो बना दूँगी मैं लेकिन इस वीडियो के अंदर जो भी माइक्रोबायो के क्वेश्चन हैं हम सिर्फ उन्हीं को अटैम्प्ट करेंगे ठीक है तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन हु डिस्कवर्ड विब्रियो कॉले कॉलेरा की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट कोच ने तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसके अलावा ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है और इसके कुछ ऐसे स्ट्रेन्स होते हैं जिसकी वजह से कॉलेरा कॉज होता है अब नाम से ही पता चल रही है चीज़ है ना ये एरोबिक नॉन एरोबिक दोनों ही कंडीशंस में ये सर्वाइव कर सकता है यानी इसे हम क्या कहेंगे फैकल्टेटिव एनरोब कहेंगे यानी कि अगर ऑक्सीजन है तो भी सर्वाइव कर जाएगा अगर ऑक्सीजन नहीं भी है तो भी ये सर्वाइव कर जाएगा ठीक है तो इन्होंने डिस्कवरी का पूछा था तो वो की थी रॉबर्ट कोच ने तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर टू साइक्लोस्पोरिन इज एन इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग गिवन टू अवॉइड ट्रांसप्लांट रिजेक्शन विच एक्ट्स बाय जो साइक्लोस्पोरिन है ये एक इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग है इम्यूनोसप्रेसिव का क्या मतलब हुआ है यहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने का काम कर रहा है सप्रेस कर रहा है यानी इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा है दैट इज़ कमज़ोर कर रहा है तो यहाँ पे पूछा है कि ये ऐसे कैसे करता है मतलब इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट है वो अल्टीमेटली किस चीज़ पे काम कर रहा है तो ये करता है हमारे टी इंफोसाइड्स की एक्टिविटी को रिड्यूस करने का काम एक्टिविटी को रिड्यूस कैसे करेगा ये टी इंफोसाइड्स की देखो जो टी इंफोसाइड्स होते हैं जिन्हें हम टी सेल्स कह सकते हैं उनकी एक्टिवेशन के लिए ना कुछ साइटोकाइंस की जरूरत होती है ये जो साइक्लोस्पोरिन ही क्या करेगा उन साइटोकाइंस को बनने नहीं देगा यानी कि इनहिबिट करेगा उनकी ट्रांसक्रिप्शन जिसकी वजह से उन साइटोकाइंस की प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी अब क्योंकि वो साइटोकाइंस नहीं बन रहे तो टी इम्फोसाइड्स की एक्टिविटी क्या हो जाएगी वो रिड्यूस हो जाएगी तो ये काम कौन करे साइक्लोस्पोरिन करे इसी लिए हम इसे इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग कहते हैं ठीक है तो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है या ये किस तरीके से एक्ट कर रहा है ये इनहिबिशन कर रहा है टी सेल्स की तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर थ्री सेम डीएनए सीक्वेंस में कोड फॉर मोर देन वन प्रोटीन बाय एक ही डीएनए सीक्वेंस से हमें एक से ज्यादा प्रोटीन्स बनाने हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं देखो हमारे पास जो जीन बन के आता है ना वो एक्सॉन्स भी कंटेन करता है उसके पास इंट्रॉन्स भी होते हैं है ना इंट्रॉन्स होते हैं वो रीज़न्स जो हमें आगे चाहिए नहीं एग्जॉन्स होते हैं वो रीजन्स जो हमें चाहिए तो इस तरीके के जीन को जिसके पास दोनों एग्जॉन इंट्रॉन्स दोनों हैं उसे स्प्लिट जीन कहते हैं या फिर हम उसे इंटररप्टेड जीन कह सकते हैं एग्जॉन्स को हम एक्सप्रेसड रीजन्स कह सकते हैं और इंट्रॉन को हम इंटरवीनिंग या फिर हम कह सकते हैं अनएक्सप्रेस्ड रीजन ठीक है अब ये जो हमारे पास स्प्लिट जीन है जिसके पास दोनों के दोनों प्रेजेंट हैं एक्जॉन भी है इंट्रॉन भी है इनके अंदर होती है स्प्लाइसिंग यानी उसे बोलते हैं हम आरएनए स्प्लाइसिंग स्प्लाइसिंग होगी इंट्रॉन्स की इंट्रॉन्स को हटा दिया जाएगा और जो एक्जॉन्स बनेंगे वो लाइगेट हो जाएंगे और उस एम का प्रोटीन प्रोडक्ट बनता है कायदे से यही होता है अब देखो यहाँ जो टर्म दी हुई है ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग ऑफ आर एन एस के अंदर क्या होता है हमारे पास जो एम आर एन ए आया बन के जब हमने इंट्रॉन्स हटा दिए हमारे पास सिर्फ एग्जॉन्स बचे कायदे से क्या होना था वन टू थ्री फोर करके एक हमारा बन जाना चाहिए था जीन और हम उसका प्रोडक्ट बना देते लेकिन यहाँ पे क्या होता है ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की बात करें यहाँ पे क्या होता है ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स में जो है ना एग्जॉन्स सिलेक्ट होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं एक ही जीन से कैसे ये हमारे पास जीन प्रेजेंट है एम आर प्रेजेंट है इसके अंदर से अगर मैं वन टू और थ्री एग्जॉन जो है इनको लेके एक जीन बना दो तो प्रोटीन ए बन जाएगा और वन और टू और थ्री को ना लेके हम फोर ले लें यानी वन टू और फोर ले लें ले तो प्रोटीन बी बन जाएगा यानी कि ऑल्टरनेटिवली सलेक्ट करा और हमने नए नए प्रोटीन प्रोडक्ट्स बना लिए तो इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग ऑफ आर एन जीन स्प्लाइसिंग भी सेम होता है लेकिन ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग की फॉर्म है जहाँ पे हम एक जीन से सीक्वेंस उठा के कहाँ डाल देते हैं जीनोम जो दूसरे ऑर्गेनिज्म का है उसके अंदर डाल देते हैं तो हम उसे बोलते हैं जीन स्प्लाइसिंग ठीक है कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है ठीक है अच्छा इसका आंसर पूछा था इन्होंने कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब हम एक डी सीक्वेंस से एक से ज़्यादा प्रोटीन बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग ऑफ आर क्वेश्चन नंबर फोर लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप थ्रोट कैन इंक्लूड स्ट्रेप थ्रोट अगर प्रिलोंग है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है उसकी वजह से रोमैटिक फीवर हो सकता है रोमैटिक का मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यूज से रिलेटेड डिसऑर्डर यहाँ पे क्या होता है रोमैटिक फीवर के अंदर इन्फ्लमेशन कॉज हो जाती है बॉडी के अंदर जैसे कि हमारे हार्ट हो गए ब्लड वेसल्स हो गए जॉइंट हो गया उसके अंदर इन्फ्लोमेशन uh, कॉज कर देता है ये तो ये जो हमारा थ्रोट इन्फेक्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये हो रहा है बैक्टीरिया से कौन से बैक्टीरिया से ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस से इसकी वजह से स्ट्रेप थ्रोट की कंडीशन जनरेट होती है इसको हम स्कारलेट फीवर भी कहते हैं और अगर ये प्रोलॉन्ग्ड रहे कंडीशन तो इसकी वजह से रिमैटिक फ़ीवर भी हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिमैटिक फीवर क्वेश्चन नंबर सिक्स क्रोमेटोग्राफी इज़ अ फिज़िकल मेथड दैट इज़ यूज टू सेपरेट एंड एनालाइज़ जो क्रोमेटोग्राफी है वो किस चीज़ को सेपरेट या एनालाइज करने के लिए यूज़ होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए जैसे आपकी गैस क्रोमेटोग्राफी हो गई एच यानी हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो गई या इसे हम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं या फिर आपकी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो गई ठीक है इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर एक से ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं एक मिक्सचर होता है जिसमें से हमें कंपोनेंट्स को अलग अलग करना होता है और इसके लिए हम एक सिस्टम लेते हैं उस सिस्टम के अंदर हम एक स्टेशनरी फ़ेज़ लेते हैं एक मोबाइल फ़ेज़ लेते हैं स्टेशनरी फ़ेज जो है वो जैसे नाम बता रहे है, वो स्टेशनरी रहेगा और उसके अंदर कुछ चीज़ें होंगी जिससे वो बना होगा और मोबाइल फ़ेज जो है वो स्टेशनरी फेज के थ्रू पास करेगा अब मोबाइल फ़ेज़ के कुछ कॉन्टिटेंट जो है वो स्टेशनरी फेज के साथ जो है इंटरेक्ट कर लेंगे और उसके साथ ही रह जाएंगे और जो बाकी के हैं जो इंटरेक्ट नहीं करेंगे वो एल्यूट आउट हो जाएंगे और एल्यूट आउट जो हो रहे हैं हम उन्हें कलेक्ट कर लेंगे और जो उसके साथ इंटरेक्ट करें वो तो हो ही गए अलग तो हमारे कॉम्पोनेंस क्या हो जाएंगे सेपरेट हो जाएंगे ठीक है तो ये चीज़ इन्होंने पूछी कि जो क्रोमेटोग्राफी है ये किस चीज़ को सेपरेट करने के लिए होता है किस तरीके के मिक्सचर को तो ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स के लिए यूज़ होता है ठीक है ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेवन विच इज द दैट फर्स्ट रीच इज द साइट ऑफ इन्फेक्शन साइट ऑफ इन्फेक्शन पे जाने वाली पहली जो एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन है वो कौन सी होती है वो आईजीएम होती है ठीक है ये सबसे पहले प्रोड्यूस भी होती है और सबसे पहले ये साइट ऑफ इन्फेक्शन पे जाती भी है अगर आपसे मोस्ट अबंडेंट पूछें तो वो होती है आपकी आई ये जो IgG होती है ना सिर्फ यही एक एंटीबॉडी होती है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है जो डेवलपिंग फ़ीटस है या फिर जो हमारा इन्फेंट है एट बर्थ उनको ठीक है ये जो इम्यूनिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है IgG ये कहाँ से जा रही है मदर से जा रही है और किस में जा रही है जो फ़ीटस है उसके अंदर जा रही है यानी कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो फ़ीटस खुद नहीं बना रहा है वो किसी और से ले रहा है तो जब बाहर से एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर आती है तो हम उसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं तो ये जो आई इम्यूनिटी जनरेट कर रही है फीटस के अंदर इसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं और क्योंकि इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं नेचुरली मदर से फीटस के अंदर जा रही है तो हम इसे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कह देते हैं ठीक है अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि म्यूकोसल सिक्रीशन के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी है तो आपकी आई यानी इम्यूनोग्लोबुलिन ए या एंटीबॉडी ए होती है ठीक है, है ये जो एंटीबॉडी ए है या इम्यूनोग्लोबुलिन ए है ये डाइमर की तरह प्रेजेंट होती है जब ये सिक्रीशन में होती है ठीक इसके अलावा आपकी एक एंटीबॉडी होती है आई जो कि एक पेंटामर की तरह प्रेजेंट होती है पेंटामर यानी कि पांच एंटीबॉडी यानी पांच इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो है वो आपस में साथ में प्रेजेंट होते हैं इसकी जो एफिनिटी होती है ना इम्यूनोग्लोबुलिन एम की एफिनिटी यानी कि जो बाइंडिंग साइट्स हैं जिसपे एंटीजन आगे बाइंड करेगा उसकी एफिनिटी कम होती है ठीक है लेकिन क्योंकि यहाँ पे पांच एंटीबॉडीज साथ में पांच इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो है मिलके एक पेंटामर बनाते हैं तो जो कंबाइनिंग साइट्स हैं पर मॉलिक्यूल वो कितनी हो गई टेन हो गई तो ये जो ओवरऑल टाइटनेस होती है बाइंडिंग की जो इसकी एविडिटी होगी बाइंडिंग की वो हाई हो जाती है दो इसकी एफिनिटी कम रहती है तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा हो गई इन्होंने सिर्फ इतना पूछा था कि कौन सी ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो सबसे पहले इन्फेक्शन की साइड पर जाके पहुँच जाती है मतलब वहाँ पहुँच जाती है तो वो होती है आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन एम यानी कि ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर एट द मेजर केमिकल मैसेजर इन्वॉल्व इन हाइपर सेंसिटिविटी इज हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर यहाँ जो ऑप्शन है उनमें से मेजर केमिकल मैसेजर कौन सा इन्वॉल्व होता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हमारी बॉडी के वो अनडिजायरेबल रिएक्शन हैं जो कि इम्यून सिस्टम खुद ही प्रोड्यूस कर देता है जैसे कि ऑटो इम्यूनिटी हो गई या एलर्जीज हो गई तो यहाँ जो ऑप्शन है उनमें से मेजर केमिकल मैसेंजर जो इन्वॉल्ड होता है वो होता है हिस्टमिन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी कुछ टाइप्स की होती हैं जैसे वन टू थ्री एंड फोर जो टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है ना ये आपकी होती हैं एलर्जी से रिलेटेड ठीक है जैसे ही बॉडी के अंदर कोई एलर्जन आता है तो जो बी सेल्स हैं जिनके पास एंटीबॉडी होती है वो इनके साथ रिएक्ट करते हैं इनके साथ इंटरेक्ट करने के बाद ये टी हेल्पर सेल से इंटरेक्ट करते हैं जिसकी वजह से ये एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिव होने के बाद ये मेच्योर होकर क्या बना लेते हैं प्लाज्मा सेल और प्लाज्मा सेल का क्या काम है एंटीबॉडीज जो है वो उनको सिक्रिएट करने का तो यहाँ पर क्योंकि एलर्जन हमारा एंटीजन था तो हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन यानी एंटीबॉडी कौन सी बनेगी आई जी ई बनेगी अब ये जो आई जी ई प्रोड्यूस हो गई है किसके साथ इंटरेक्ट करेगी ये मास्ट सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, के अंदर उनके साथ इंटरेक्ट करेगी मास्ट सेल्स के अंदर एम ए एस टी मास्ट मास्ट सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि हिस्टमीन होते हैं ब्रेडिकाइनन्स होते हैं ल्यूट्राइनज होते हैं और भी होते हैं ये सारे ग्रेन्यूल्स मास्ट सेल्स जो हैं वो रिलीज़ कर देंगे हिस्टमीन भी है इन ग्रेन्यूल में ठीक है ये सब रिलीज हो जाएंगे और फिर ये क्या करेंगे ये एलर्जी के सिम्टम्स कॉज करते हैं ठीक ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है इसको हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी टाइप वन ऐसे ही एक टू होती है एक थ्री होती है एक फोर होती है ठीक तो यहाँ पे पूछा था मेजर केमिकल में सेंजर कौन सा है तो वो आपका हो जाता है हिस्टमिन यानी ऑप्शन जो सेकेंड है या टू है वो करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज यूजफुल टू स्टमुलेट एंटीबॉडी प्रोडक्शन तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन को स्टमुलेट करने का काम करता है एडजुवेंट ये इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं जिन्हें हम वैक्सीन में अगर डाल दें तो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो बूस्टअप हो जाता है ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती हैं और लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी जो है वो जनरेट होती है इसके अलावा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो एक है हैप्टन हैप्टन जो होते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंटीजन की तरह वर्क करते हैं लेकिन ये इम्यूनोजेन नहीं होते यानी ये इम्यून रिस्पॉन्स नहीं एलिसिट करते देखो हमारी बॉडी के अंदर जो फॉरन सबस्टांसिज एंटर करते हैं ना ज़रूरी नहीं है कि वो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करें जैसे ये हैप्टन हो गया ये बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स इनके अगेंस्ट जनरेट होता ही नहीं है ठीक है तो ये जो हैप्टें हैं ये एंटीजन तो है फॉरेन सब्सटेंस तो है लेकिन ये इम्यूनोजेन नहीं है क्योंकि इनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स एलिसिट नहीं हुआ है अब ये जो हैप्टन है अगर हम इनको कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड करा देना तो ये इनका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है अब ये इम्यूनोजेन बन जाएंगे अब इनके अगेंस्ट जो बॉडी है वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर देगी तो हैप्टन इसका आंसर नहीं है इन्होंने ये चीज़ नहीं पूछी थी जो हैप्टन करता है इन्होंने पूछी थी कि एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कराना है तो क्या करेंगे हम एडजुवेंट यूज़ करेंगे एंटीसीरम जो होता है वो एंटीबॉडी ही है एक तरीके से एंटीबॉडीज की ही बात हो रही है ठीक है तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाता है एडजुवेंट क्वेश्चन नंबर टेन हु डेवलप्ड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन फॉर द फर्स्ट टाइम जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है वो फर्स्ट टाइम किसने डेवलप की थी वो की थी एडवर्ड जेनर ने ये जो टर्म है वैक्सीन ये भी एडवर्ड जेनर ने ही दी है इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो मिल्क मेड्स होती हैं ना जिनको काओपाक्स हुआ होता है वो स्मॉल पॉक्स के सिम्टम्स नहीं शो करती आफ्टर इन्फेक्शन उनको इन्फेक्शन हुआ है अगर तो वो सिम्टम्स नहीं शो करेंगी स्मॉल पॉक्स के तो इन्होंने कॉन्क्लूड किया कि जो कावपॉक्स है वो किसी तरीके से प्रोटेक्शन दे रहा है स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट है ना वो स्मॉल पॉक्स नहीं होने दे रहा तो यहाँ से इन्होंने वैक्सीनेशन का या वैक्सीन का कॉन्सेप्ट निकाला था और यही क्वेश्चन में पूछा है कि किसने जो है वो वैक्सीन यानी कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन सबसे पहले डेवलप की थी वो की थी जेनर ने या कह सकते हैं एडवर्ड जेनर ने पूरा नाम हो गया इनका एडवर्ड जेनर तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर एलेवन रैनसिडिटी इन स्पॉइल फूड इज़ ड्यू टू जो रैनसिडिफिकेशन होता है वो क्या होता है फैट्स एंड ऑयल्स जो होते हैं ना उनकी अगर कंप्लीट या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या हाइड्रोलस हो जाए या तो एयर की प्रेजेंस में या तो लाइट की प्रेजेंस में या मॉइस्चर के प्रेजेंस में या फिर कौन कर दे बैक्टीरिया कर दे तो उस केस में क्या होता है एक ऐसा मतलब सबस्ट्रेट्स बनते हैं उनको जिसका टेस्ट और स्मेल जो है ना वो बहुत ही अनप्लेजेंट होता है इस प्रोसेस को हम रैनसिडिफिकेशन कहते हैं और जिसके तीन पाथवे होते हैं एक होता है हाइड्रोलिटिक एक होता है ऑक्सीडेटिव और तीसरा होता है माइक्रोबियल ये जो माइक्रोबियल वाला पार्थ है यहाँ पे माइक्रोव्स एक्ट करते हैं बैक्टीरिया एक्ट करते हैं मोल्ड्स हो गए जैसे कि आपके सुडोमोनाज होते हैं स्टेफेलोकोकाय होते हैं ये सब एक्ट करते हैं कैसे एक्ट करते हैं अपने एनजाइम्स को यूज़ करेंगे जैसे लाइपेज हो गया उसको यूज़ करके ये फैट का ब्रेक डाउन करेंगे और अनप्लेजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर यानी कि स्मेल वाले जो सबस्ट्रेट्स हैं जो मैंने बताए थे वो जनरेट कराएंगे अब ये जो एन्जाइम्स है क्योंकि ये लिपोलिटिक एंजाइम है तो इन ऑर्गेनिजम्स को हम लिपोलिटिक ऑर्गेनिजम्स कह देते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी रेंसिडिटी जो है वो किसकी वजह से आ रही है वो लिपोलिटिक ऑर्गेनिजम्स की वजह से आ रही है क्वेश्चन नंबर थर्टीन जी प्रोटीन लिंगड रिसेप्टर्स आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऑफ अगर आप जी पी सी आर यानी कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर या जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स का स्ट्रक्चर देखोगे तो इनके अंदर क्या होता है ट्रांस मेम्ब्रेन एल्फा हेलाइसिस प्रेजेंट है यानी कि इनके पास जो अल्फ़ा हेलाइसिस हैं वो मेम्ब्रेन से स्पैन कर रहे हैं टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो कितनी बार मूव कर रहे हैं सेवन टाइम्स यहाँ से मूव कर रहे हैं तो इन्होंने यही चीज़ पूछी हुई थी कि ये जो जी होते हैं ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं और इनके कितने हेलाइसिस हैं जो मेमब्रेन से पास कर रहे हैं वो होते हैं सेवन तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है ये जो जी पी सी आरस है ना इनके एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है जहाँ पे आके कौन बाइंड करेगा लीगन बाइंड करेगा एक इनका होता है साइटोसोलिक डोमेन ये जो साइटोसोलिक डोमेन है ना जो साइटोसोल के टूअर्ड इनका प्रेजेंट होता है ये जी प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है ठीक है और पूरा एक कैस्केड ऑफ इवेंट शुरू हो जाता है तो ये जी प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट है ओके okay? यहाँ पे जी पी का पूछा था कि जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स है वो कितने हेलाइसिस के होते हैं होते हैं सेवन हेलाइसिस के तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सेवन क्वेश्चन नंबर फोटीन विच ऑफ़ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर ओवर अ पॉइंट टू एम एम थिक लेयर ऑफ एन एडजॉर्बेंट आपको जब क्रोमेटोग्राफी का बताया था अभी थोड़ी देर पहले तो उसमें मैंने ये बोला था कि क्रोमेटोग्राफी के कुछ टाइप्स होते हैं और दूसरा मैंने ये बताया था कि इसके अंदर स्टेशनरी फेज़ होता है और एक क्या होता है मोबाइल फ़ेज़ होता है अब क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सी क्रोमेटोग्राफी में होता है कि जो एब्जॉर्बेंट है उसकी जो थिकनेस है वो पॉइंट टू एम एम रखी जाएगी तो वो होता है आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के अंदर इसका जो स्टेशनरी फेज है यानी जो एब्जॉर्बेंट है वो पॉइंट टू एम एम की थिकनेस का होता है और उसको हम टी एल सी प्लेट भी कह सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाजमिट आर एक्सटेंसिवली यूज इन दी प्रोडक्शन ऑफ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिट का मतलब होता है टी आई प्लाज्मे जिसे हम कहते हैं टी आई प्लाजमिट ये हमें मिल जाता है एग्रोबैक्टीरियम के अंदर अब होता क्या है इसका जो डी एन ए होता है ना उसका एक सेगमेंट होता है टी डी एन ए ये जो टी डी एन ए है अपॉन इन्फेक्शन ये क्या करता है ये टी डी एन ए प्लांट सेल के अंदर जाता है प्लांट सेल के अंदर कहाँ पे उसके जीनोम के अंदर तो ये जो टी डी एन ए जब इन्फेक्शन होता है तो टी डी एन ए जो है वो प्लांट का जो खुद का डी एन ए है उसके साथ जाके मिल जाता है यानी उसे हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेट हो गया कहाँ पे प्लांट के जीनोम के अंदर कौन टी डी एन ए अब प्लांट के पास क्या क्या है अब प्लांट के पास अपना खुद का डी एन ए है और ये जो टी डी एन ए का जीन है मतलब इसके जो टी डी एन ए के जितने भी जीन्स हैं वो सारे भी प्लांट के खुद के जीनोम के साथ मिल गए हैं ये जो टी डी एन ए होता है ना इसके अंदर ग्रोथ हॉर्मोन प्रेजेंट मतलब वो जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो ग्रोथ हॉर्मोन्स बनाएंगे ठीक है अब क्या है अब प्लांट के पास अपना डी एन ए है जो कि ग्रोथ हॉर्मोन बनाएगा ही बनाएगा प्लांट के पास तो होते हैं ना ग्रोथ हॉमोन वाले जीन इसके अलावा टी डी एन ए भी कुछ जीन्स लेके आ गया जो ग्रोथ हारमोन बनाते हैं अब क्योंकि डबल हो गया ना अब खुद के वाले ग्रोथ हार्मोन और टी डी एन ए वाले ग्रोथ हार्मोन यानी कि अब क्या होगा ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन बनेंगे यानी ओवर एक्सप्रेशन होगा ग्रोथ हार्मोन का जिसकी वजह से ट्यूमर इंड्यूस हो जाएगा यानी कि ट्यूमर बन जाएगा उस प्लांट के अंदर अब देखो ये जितना भी हमने मैकेनिज्म बनाया है ना इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए अंडर यूज़ करते हैं मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट बना के यूज़ करते हैं तो ये जो मेथड है इसकी हेल्प से हमने क्या बना दिया हमने बना दिया ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना दिए तो यहाँ पे यही चीज़ पूछा हुआ था कि ये जो टी आई प्लाजमिट यानी कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है ये किस चीज़ की प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं ये हेल्प करते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स की प्रोडक्शन के लिए तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन फर्स्ट डी एन ए ग्लाइकोसाइलिस एनजाइम डिस्कवर्ड इज पहला डी एन ए ग्लाइकोसाइलिस एनजाइम जो डिस्कवर हुआ था वो कौन सा है वो है आपका यूरेसिल डी एन ए ग्लाइकोसाइलिस डीएनए एन वो एंजाइम्स होते हैं जो बेस एक्सर्जन रिपेयर में काम आते हैं ठीक है मतलब कि जो डैमेज डीएनए होता है उसको रिमूव एंड रिपेयर कराने के लिए ये वर्क करते हैं जो ये सबसे पहला जो डिस्कवर हुआ था यूरेसिल डीएनए एन ये हमें मिला था बैक्टीरिया के अंदर जिसको हम कहते हैं ईकोलाय e. तो इसका नाम क्या हो सकता है ईकोलाई यू डी जी यू डी जी यानी कि यूरेसिल डी एन इसके अलावा ये जीन साइलेंसिंग के रिप्रेशन में भी वर्क करता है तो यहाँ पे पूछा था सबसे पहला जो डी एन एंजाइम है जो डिस्कवर हुआ था वो कौन सा है वो है आपका यूरेसिल डी एन दैट इज ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवनटीन द ट्रांसफर ऑफ प्लाजमेट फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अ डिफरेंट स्ट्रेन इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर जिसे हम लेटरल जीन ट्रांसफ़र भी कहते हैं ये चीज़ आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलती है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र हो रहा है ठीक है तीन मकैनिज़म्स होते हैं इसके जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ट्रांसडक्शन हो गई कॉन्जुगेशन हो गई जिसमें से कॉन्जुगेशन जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है मतलब मोस्ट कॉमन कौन सा है कॉन्जुगेशन तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा हॉरिजोंटल जीन ट्रांसफ़र क्वेश्चन नंबर एटी द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद क्लासिफिकेशन स्पेशली ऑफ ऑर्गैनिज्म तो यहाँ जो ऑप्शन हैं उनके अकॉर्डिंग टैक्सोनॉमी जो है वो करेक्ट हो जाता है बट अदरवाइज जो क्लासीफिकेशन uh, होती है ना उसके साथ जो ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न होती है हो, उसे हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं ठीक है टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स को हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं दोनों टर्म्स को टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन के अलावा क्या क्या आता है ऑर्गेनिज्म को फाइंड करना उसको डिस्क्राइब करना क्लासिफाई करना तो है ही नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म या जो टैक्साज है उनके बीच का जो रिलेशन है उसको स्टडी करना ये सब भी टैक्सोनॉमी का ही पार्ट होता है तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए टैक्सोनॉमी क्वेश्चन नंबर नाइनटीन एस डी एस पेज सेपरेट्स प्रोटीन्स बाय जो एस डी एस पेज की टेक्निक होती है वहां पे हम प्रोटीन्स की सेपरेशन करते हैं वो किस बेसिस पे होती है साइज एंड नेटिव चार्ज ज्विटर आइंस नेटिव चार्ज ओनली या साइज़ ओनली एस डी एस यहाँ पर स्टैंड करता है फॉर सोडियम डोडिसाइल सल्फेट और ये एक आयनिक डिटर्जेंट होता है जो कि जब प्रोटीन्स के साथ बाइंड करता है ना तो ये उनको नेगेटिवली चार्ज बना देता है ठीक है उनको क्या चार्ज दे रहा है ये नेगेटिव चार्ज दे रहा है तो ये जब हम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स को हम जेल के ऊपर डालते हैं और जेल पर करेंट अप्लाई करते हैं तो ये जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है ये कहाँ मूव करेंगे ये पॉजिटिव चार्ज के टूअर्ड्स मूव करेंगे यानी कि ये जाएंगे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के टूअर्ड्स ठीक है अब जब हम इन्हें रन करवाते हैं जेल पे तो जो इनकी सेपरेशन है वो किस बेसिस पे होती है वैसे तो ये मॉलिकुलर वेट के बेसिस पे होती है सेपरेशन बट हम ये क्या कह सकते हैं कि जो भारी या फिर जो लंबे यानी कि जो लार्ज हैं जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो कहाँ पे रह जाएंगे वो पीछे रह जाएंगे और जो छोटे छोटे यानी कि हल्के हल्के हैं वो ज़्यादा मूव कर जाएंगे ठीक है तो इसकी जो सेपरेशन है ना वो साइज़ के बेसिस पे हो रही है और दूसरा क्योंकि चार्ज हमने यहाँ पे उसको दिया था नेगेटिव चार्ज तभी तो वो पॉजिटिव के वर्ड्स मूव कर रहा है है ना तो यहां पे जो सेपरेशन हो रही है वो साइज और चार्ज दोनों के अकॉर्डिंग हो रही है तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द फेज इन विच द सेल्स विल नीड टाइम टू सिंथेसाइज ए नेसेसरी एंजाइम्स फॉर इट्स मेटाबॉलिज्म इज यानी कि वो फेज जहाँ पे क्या बन रहे हैं एंजाइम्स बन रहे हैं, जो आगे जाके मेटाबॉलिज्म में वर्क करेंगे अभी जब बैक्टीरिया की जब हम ग्रोथ कर देखते हैं तो बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करता है वो डिवाइड करता है आगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है अगर अच्छी खासी सर्वाइवल हो रही है फिर जब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो कुछ ऐसा कर्व आता है ठीक है इसको हम फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे ये हो गया आपका लैग फेज़ फिर एक्सपोनेंशियल या फिर इसे लॉग फेज भी कहते हैं वो हो गया देन स्टेशनरी देन डेथ लैग फेज़ के अंदर क्या होता है जो बैक्टीरिया है ना वो नए इन्वायरमेंट से अडाप्ट करने की कोशिश करता है कुछ लगभग एक घंटे का ये होता है फेज़ और यहाँ पे मेचुरेशन हो रही होती है डिवीजन नहीं होती यहाँ अभी यहाँ पे बैक्टीरिया ने डिवाइड करना नहीं स्टार्ट किया है यहीं पर आर्नीस एनजाइम्स ये सारी चीजें बनती है जो नेक्स्ट फेज में काम आने वाले हैं नेक्स्ट फेज कौन सा है लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज जहाँ पे सेल की डबलिंग होती है ठीक है इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं

ऑप्शन सी दैट इज लैग फेज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन द ट्रैकिंग डाई यूज्ड इन एसडीएस पेज विल बी एसडीएस पेज अभी डिस्कस किया था अभी देखो वहाँ पे प्रोटीन्स की सेपरेशन हो रही थी प्रोटीन्स को ट्रैक करना भी है हमें देखना ना प्रोटीन्स को कहाँ पे गए कौन सा वाला कितनी दूर गया है ना जेल पे वो किस तरीके से सेपरेट हुए तो उसके लिए ट्रैकिंग डाइज यूज़ होते हैं ये जो डाई यूज़ होते हैं एग्जांपल ब्रोमोफिनॉल ब्लू है ये अनायनिक होते हैं ठीक है और वही चीज़ हमसे पूछी कि वो कैसे होते हैं वो एनायनिक होते हैं वो वीकली बाइंड करते हैं टू तो प्रोटीन्स और उनको कलर इम्पार्ट करते हैं और फिर हम उन्हें विजुअलाइज़ कर देते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो गया सही ऑप्शन ए एनायनिक क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द नेम प्रोटोजोआ कम्स फ्रॉम द ग्रीक मीनिंग जो प्रोटोजोआ टर्म है ना ये दो टर्म से बनती है एक हो गया प्रोटोस एक हो गया आपका जून जो प्रोटोस होता है ना उसका मतलब होता है फर्स्ट और ज़ून का मतलब होता है एनिमल तो यहाँ पे आपका आंसर तो क्या हो जाएगा इम्यूनोग्लोबुलिन ए ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है जैसे मैंने पहले भी बताया पहले जो क्वेश्चन आया था इम्यूनोग्लोबुलिन वाला उसमें भी हमने डिस्कस किया था ये एक डाइमर की तरह होता है जब ये सिक्रेटरी फॉर्म में होता है, है ना तो इसको जो सिक्रीटरी फॉर्म होती है ना इसकी आई की इसको हम डिनोट कर सकते हैं एस इमिनोगलोबिलिन ए से ठीक है और ये मोस्टली कहाँ पे पाई जाती है म्यूकस सिक्रीशन में पाई जाती है टीयर्स हो गए सलाइवा हो गया आपका स्वेट हो गया कोलास्ट्रोम हो गया इन सब चीज़ों में क्या पाई जाती है मेनली इमनोगलोबिलिन ए तो आपका आंसर यहाँ हो गया ऑप्शन बी आई जी ए क्वेश्चन नंबर रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज कैरीड आउट बाय जो प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ना बैक्टीरिया के अंदर वो होता है बाइनरी फिजन ठीक है इसके अलावा बैक्टीरिया जो है वो बडिंग भी करता है जैसे प्लैंटोमाइसिटीज हो गए सैनोबैक्टीरिया हो गए इसका भी मैकेनिज्म नहीं पता है बट ये होती है बडिंग ठीक है बैक्टीरिया के अंदर और ये एक ए सेक्शुअल मोड ऑफ़ रिप्रोडक्शन है इसके अलावा यहाँ पे क्नीडिया फॉर्मेशन होती है कॉन्जुगेशन होता है कॉन्जुगेशन का मतलब होता है ये पाइलस को यूज़ करते हैं एक ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर होता है वो बना लेते हैं और फिर जीन का जो ट्रांसफर है वो करना शुरू कर देते हैं इसको हम सेक्शुअल मोड ऑफ़ रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते कॉन्जुगेशन को हालांकि यहाँ पे जेनेटिक मटीरियल एक्सचेंज हो रहा है लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है ठीक है तो जो प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है बाइनरी फिजन बैक्टीरिया के अंदर तो यहाँ पे इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाइनरी फिजन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इज तो यहाँ पे जो एक्सेशन रिपेयर मकैनिज्म होते हैं एक होता है बेस एक्सेशन रिपेयर एक होता है न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर बेस एक्सेशन रिपेयर जो होता है ना उसके अंदर हम पॉइंट म्यूटेशन को रिपेयर कर रहे हैं मतलब एक बेस जो है वो गलत इंकारपोरेट हो गया है उसको हटा के सही वाला बेस लगा देते हैं हम बेस एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म के अंदर तो यहाँ पर पूछा है कि इसमें डी एन ए कौन सा यूज़ होता है तो यहाँ पर यूज़ होता है हेलीकेस थ्री बेस एक्सेशन में और अगर न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर का पूछ लें तो वहीं वहाँ पर यूज़ होता है डी एन ए टू ठीक है यहाँ पे बेस का पूछा था तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दैट इज डी एन एलिकेज थ्री इज यूज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हैज़ अ लोएस्ट फिफ्टी परसेंट इन्फेक्टिव डोज यानी कि जिसे हम आई डी फिफ्टी से भी डिनोट करते हैं जिसके अंदर आई डी जो है वो किस लिए स्टैंड करता है इन्फेक्टिव डोज या इन्फेक्शस डोज के लिए तो यहाँ पर जो आई है ना आई डी फिफ्टी जो है ये वो अमाउंट है इन्फेक्शस एजेंट का जो हमें चाहिए 50 परसेंट यानी 50 प्रतिशत पॉपुलेशन को किल कराने के लिए यानी कि अगर हमारे पास 10 लोग हैं तो हमें पाँच लोगों को किल कराना है तो उसके लिए हमें कितना लगेगा इन्फेक्शस एजेंट उसको हम बोलते हैं आई डी ठीक है इसको हम मीडियम इन्फेक्टिव डोज भी कहते हैं और ये टॉक्सिसिटी को इंडिकेट करता है तो जितना कम आई डी उतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी यहाँ पे पूछा है कि किसकी लोएस्ट फिफ्टी परसेंट इन्फेक्टिव डोज है या आईडी 50 फिफ्टी है वो होती है आपकी शिगेला शिगेला सोनी या सुनाए जो भी इसको आप प्रोनाउंस करते हो वो इसका आंसर है ठीक है ऑप्शन सी शिगेला